सब्सक्राइब करें हैश यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं हैश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अपने तमाम फेसबुक फ्रेंड्स को एक सिमिलर मैसेज किस तरह से एक ही क्लिक में सेंड करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और वहाँ पर टाइप करना है गूगल वेब स्टोर। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो सबसे पहली आपके पास लिंक आ रही है chrome.google.com वेब स्टोर वाली, उसको ओपन करना है। और ओपन होने के बाद आपने इधर लेफ़्ट साइड पर सर्च द स्टोर ऑप्शन एक टैब है, वहाँ पर जाके सर्च करना है फेसबुक टूलकिट। इसको एंटर करने के बाद जब ये आप ओपन कर लेंगे फेसबुक टूलकिट, तो इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा टूलकिट फॉर FB बाय प्लग EX। इसको ऐड टू क्रोम करना है और अभी चेकिंग दे रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इसको ऐड एन एक्सटेंशन कर देना है। उसके बाद ये एक्सटेंशन में ऐड हो रही है, चेकिंग दे रहा है। तो अब वो ऐड हो गया, यूज़ एक्सटेंशन बाई क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। वो कह रहा है इस आइकन पर क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले वो खोल रहा है इस टैब को। अभी कह रहा है क्लिक आल लाइक बटन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट आल फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो इसने यहाँ पर आपको शो कर दिए। उसके बाद नीचे आते हैं लिखा है क्लिक आल पोक बटन, क्लिक आल एड्स बटन, क्लिक आल शेयर बटन, डिलीट आल कमेंट्स, पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट, डाउनलोड फेसबुक वीडियोज़ फेसबुक फ्रेंड्स को, ये क्या स्टिकर्स टू सेंड मैसेज टू मल्टीपल और ऑल फेसबुक फ्रेंड। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मुख्तलिफ फंक्शन है, उसको आप ख़ुद यूज़ कर सकते हैं, एक बताना ज़रूरी होता है। तो अभी मेरी फेसबुक मैंने पहले से ओपन कर लिया, तो ये इधर आ गए। देखते हैं आगे क्या मांगते हैं हमारे से। कह रहे हैं सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड्स। इसमें कह रहे हैं रीड आवर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन टू लर्न हाउ टू यूज़ दिस टूल। तो मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं नीचे आता हूँ। राइट द मैसेज दैट यू वांट टू सेंड टू योर सिलेक्टेड फ्रेंड। तो यहाँ पर आपने मैसेज टाइप कर लेना है और उसके बाद मैं मैसेज टाइप कर लूँ, फिर आता हूँ वापस आपके साथ। दोस्तों मैं मैसेज को टाइप कर चुका हूँ और अब मैं नीचे आ जाता हूँ। सेलेक्ट टाइम इंटरवल बिटवीन रिक्वेस्ट, कितने टाइम के बाद आपने अगले दोस्त को मैसेज सेंड करना है। तो इसको मैं तकरीबन 20 to 30 मिनट्स कर देता हूँ, क्योंकि इससे फेसबुक को ये नहीं लगेगा कि हम कोई स्पैम चला रहे हैं इस फेसबुक अकाउंट के ऊपर, जिसकी वजह से वो अकाउंट को आप कुछ देर के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद कह रहे हैं सेलेक्ट फ्रेंड्स टू होम यू वांट टू सेंड अ मैसेज। किन दोस्तों को भेजना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं तमाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अभी देखें ऑन हो गया तमाम को। उसके अलावा कहते हैं उनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मैसेज सेंड जो करें वो देख सकते हैं। मैंने तमाम फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं स्टार्ट सेंडिंग कर दूँगा। तो इस बटन पर क्लिक करने के साथ ही मैसेज सेंडिंग स्टार्ट हो गया। मैसेज सेंड वो साथ मैसेज देता जाएगा जिन जिनको सेंड हो रहा है। और अभी ये 30 मिनट्स का मैंने टाइम कैप लगाया, तो इसी तरह ही चलता रहेगा ऐसा ऐसा यूज़ करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ ज़रूर आया होगा कि आपने सिर्फ करना क्या है, वेब स्टोर में जाके क्रोम के वहाँ से एक टूल किट FB डाउनलोड कर लेनी है, एक्सटेंशन में ऐड कर देनी है। और एक्सटेंशन में ऐड करने के बाद आगे सिंपल सा प्रोसीजर, उसमें से आपने टैब मैसेज सेलेक्ट करना है कि तमाम फेसबुक फ्रेंड को मैसेज किस तरह से मल्टीपल सेंड करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद मैसेज टाइप करना है, टाइम इंटरवल सेलेक्ट करना है और फ्रेंड सेलेक्ट करना है जिन जिनको आपने सेंड करना है वो मल्टीपल मैसेज। और बस, और ये बिल्कुल फ्री टूल है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर करें। कोई अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।